अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता शशि कपूर की बात करें तो उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी नाम और शोहरत कमाए हैं और यह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों में से एक माने गए हैं। इनके अगर करियर की शुरुआत की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कपूर फैमिली ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहतरीन योगदान दिया है और शशि कपूर ने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ये पहली बार फिल्म साल 1995 में आई बचपन में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने कई सारे छोटे छोटे किरदार फिल्मों में निभाए लेकिन बतौर लीड हीरो इनकी फिल्म साल 1961 में आई धर्मपुत्र थी। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार लीड हीरो का किरदार निभाया था और इस फिल्म को करने के बाद आने वाले समय में उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अगर दिग्गज कलाकारों की बात आती है तो कहीं ना कहीं शशि कपूर का भी नाम सबसे ऊपर बताया जाता है। अब एक तरफ जहां शशि कपूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम और शोहरत कमा रहे थे तो वहीं दूसरी ओर इनकी पर्सनल लाइफ काफी विवादों भरी रही है। वैसे कपूर खानदान के कई सारे ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाए लेकिन बात करें शशि कपूर की तो इनकी पर्सनल लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी। यहां हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि शशि कपूर ने एक विदेशी महिला से जब शादी कर ली तो पूरा परिवार इनके खिलाफ हो गया था लेकिन सबके बावजूद इन्होंने अपने प्यार को कभी भी नहीं भुलाया और आने वाले समय में इन्होंने जिस हिसाब से अपने परिवार को संभाल के रखा वो काबिले तारीफ था। इस दौरान इनकी जिंदगी में कई सारे दुखों तकलीफें आई लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे निर्देशक और निर्माता भी रह चुके हैं लेकिन कठिनाइयों की बात करें तो जब ये पैदा नहीं हुए थे तब से इन पर दुखों का पहाड़ टूटने पड़ा था। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने खुद इस बात को कबूला था कि जब ये अपनी माँ की कोख में थे तो इनकी माँ ने कई बार इन्हें मारने की कोशिश भी की थी और इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह गया था। पत्रिका.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो एक बार शशि कपूर ने इंटरव्यू के दौरान इस बात की जानकारी दी थी कि मेरी माँ मुझे फलूकी कहती थी क्योंकि मैं अनप्लान्ड था। उनके पहले से ही चार लड़के थे और फिर मेरी माँ और मेरे पिताजी ने हमेशा एक लड़की के लिए प्रार्थना की थी। साल 1933 में मेरी बहन उर्मिला का जन्म हुआ था। उनका एक परिवार था और मेरे माता पिता काफी खुश थे। उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान आगे खुलासा करते हुए कहा कि अचानक 5 साल बाद मेरी माँ को पता चला कि वह एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी और यह उनके लिए बहुत शर्मनाक था। वो बच्चा मैं था। उन्होंने मुझसे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश की थी। बेशक वो पुराने समय थे और गर्भपात जैसा कुछ भी नहीं होता था। वो मुझे बताया करती थी कि वो अपने बच्चों को खोने के लिए साइकिल से गिरती रही, सीढ़ियों से नीचे गिरती रही, यहाँ तक कि कुनैन की दवा भी ली। लेकिन शशि कपूर जिद्दी थी, एक भविष्य था, इसलिए मैं एक फ्लैक एक्टर, एक फ्लैक स्टार और एक फ्लूक इंसान हूँ। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि शशि कपूर जब अपनी माँ के कोख में थे तो उनकी माँ ने उन्हें मारने के लिए तरह तरह के यत्न किए लेकिन भगवान की दया से उनकी जान बच गई। यहाँ आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि शशि कपूर के नाम से कई सारे रिकॉर्ड कायम हैं और आपको इस बात की जानकारी हम देना चाहेंगे कि महज 10 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर डाली थी जिसके बाद उन्होंने साल 1961 में आई फिल्म धर्मपुत्र के जरिए अपना डेब्यू किया था। इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक फेट फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों की खुमारी आज भी तरोताजा है। इंडस्ट्री में काफी नाम और शोहरत कमाते हुए साल 2017 में शशि कपूर का निधन हो गया और इन्होंने इस पूरी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए।